हाँ जी जजनेंद्र दोस्तों, आज 14th अप्रैल 2020 है, राइट। और कल 15th अप्रैल 2020, मतलब लास्ट डेट एग्जामिनेशन फी पे करने की, राइट। वो भी एक्सटेंड करने के बाद, वैसे 9th अप्रैल होती है, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के बाद 15th अप्रैल 2020 लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फीस पे करने की। तो भैया, जिन लोगों ने अभी तक एग्जामिनेशन फी पे नहीं करी है, प्लीज़ एग्जामिनेशन फी पे कर दीजिए। देखिए, आज मोदी जी दोबारा आए थे और 19 डेज़ के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अभी तक ICSI की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या रिलैक्सेशन और बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, या फिर एग्जामिनेशन फी पे करने के लिए लास्ट डेट 15th अप्रैल ही रहेगी या नहीं रहेगी, राइट। तो जिन बच्चों ने अभी तक एग्जामिनेशन फी पे नहीं करी है, वो प्लीज़ एग्जामिनेशन फी अभी की अभी पे कर दीजिए। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिएगा। हो सकता है कल शाम को आप सोच रहे हो कि कल शाम तक वेट करते हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन आया ICSI का तो ठीक है, नहीं तो हम पे कर देंगे। हो सकता है उस वक्त सर्वर हैवी हो जाए और टाइम पर आप एग्जामिनेशन फी पे ना कर पाओ, कोई और दिक्कत हो जाए, इंटरनेट कनेक्शन ना आपका लग पाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्लीज़ एटलीस्ट एग्जामिनेशन फी पे कर दीजिए ICSI को। भाई, जून में एग्ज़ाम्स नहीं भी हुए तो हो, जुलाई में होंगे, सितंबर में होंगे, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम्स होंगे, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी तो ख़राब नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम पर पे नहीं करी, तो जो भी अटेम्प्ट होगा, चाहे जुलाई में, चाहे सितंबर में, चाहे जून में ही, जो ICSI का कहना है कि भैया हम तो 2 जून से ही लेंगे एग्ज़ाम्स, चाहे जून में ही अटेम्प्ट होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो ख़राब नहीं जाएगा, राइट। और जो प्री एग्ज़ाम्स हैं CS एग्जीक्यूटिव के या प्रोफेशनल के, वो क्लियर करने की डेट है 30th अप्रैल। तो अगर किसी ने अभी तक प्री एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करे हैं, तो भैया 30th अप्रैल तक प्री एग्ज़ाम्स क्लियर कर लीजिएगा। क्या हम प्री एग्ज़ाम्स क्लियर करे बिना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। ये स्पेशल एग्जम्पशन कह लीजिए या रिलैक्सेशन कह लीजिए ICSI ने दी है, ये जो COVID-19 का जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से, कि प्री एग्ज़ाम्स क्लियर करने की लास्ट डेट है 30th अप्रैल और एग्जामिनेशन फी पे करने की लास्ट डेट है 15th अप्रैल। अब जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर, हमारे घर पे इंटरनेट नहीं है, हमारे घर पे कंप्यूटर नहीं है, या फिर हमारे घर पे कोई और ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसको यूज़ करके हम लोग प्री एग्ज़ाम्स दे पाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? भैया, उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, जो मैं आपसे कहूँगा, कि अपनी वीडियो बनाओ मोबाइल पर और ICSI को सेंड करो कि भैया हमारी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम चाह कर भी। अच्छा, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि सर, हमारा एट प्रेजेंट इंटरनेट नहीं चल रहा है, या मोबाइल के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास अभी ऑनलाइन पे करने की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है और वो इंटरनेट कैफेज़ में जाकर एग्जामिनेशन फ़ी पे करते हैं, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ICSI को एक क्वेश्चन रेज कीजिए, अपनी क्वेरीज के बारे में बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो ICSI को ही लेना है। अब वो ICSI के ऊपर है कि वो आँख बंद करके बैठी है या जो भी है, राइट। आप अपनी वीडियोस बनाकर हमें भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और हम आप लोगों की वीडियोस कंसोलिडेट करके एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और लिंक ICSI के ऑफिशियल्स को भेज देंगे। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की वीडियोस बनाकर आप हमें भेज सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे कर दीजिए। और ये चीज़ तो क्लियर है कि घर से बाहर निकलकर पढ़ाई करने का अब कोई रास्ता नहीं है, जो भी आपको करना है घर में बैठकर ही करना है। अब ये ऑनलाइन कोचिंग के अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पर आप चाहो तो इसे पॉजिटिव ले सकते हो, पॉजिटिव वे में, चाहो तो इसे नेगेटिव वे में ले सकते हो। आप कह सकते हो कि भैया, हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, या फिर हमें फेस टू फेस पढ़ने की आदत है, या हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 100 बहाने बना सकते हो। या आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हो कि यार, एटलीस्ट ऑनलाइन तो आज के टाइम में फैसिलिटी अवेलेबल है,
एटलीस्ट ऑनलाइन कंटेंट तो मिल रहा है, कुछ तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, अगर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती तो, राइट right? तो चीज़ों को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है वो आपके हाथ में है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एटलीस्ट सारे लोगों को बताइए कि हम लोग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट और CS एग्जीक्यूटिव दोनों ही लेवल पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा रहे हैं जून अटेम्प्ट तक के लिए, ताकि जो बच्चे घरों में फंसे हुए हैं या जो अपने घर में भी नहीं है कहीं और फंसे हुए हैं वो सब जहाँ पर भी है वहाँ पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, चलिए घर में रहिए, बने रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, जय जिनेंद्र।